ओके, तो आज है 26 दिसंबर और फाइनली आज मैं कनाडा के लिए फ्लाई करने वाला हूँ। पैकिंग मेरी सारी हो चुकी है और मेरी फ्लाइट रात को 11:15 बजे की है, बट मैं अभी 4:30 बजे ही अपने घर से निकल जाऊंगा। बाय द वे अभी टाइम कुछ 2:30 बज रहे हैं और मैं अभी बाय द वे यहाँ पर ये सारा वो लगेज है जो मैं अपने साथ में कैरी कर रहा हूँ। बाकी ये इसका भी मुझे कंफर्म नहीं है कि ये अलाउड होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरी एयरलाइन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि इस तरह का बैग अलाउड है, बट फिर भी मैं इसमें बहुत कम सामान डाल के लेके जा रहा हूँ। अलाउड होगा तो इसको साथ में ले जाऊँगा, नहीं तो ये बाहर पेरेंट्स को दे दूँगा। और इसके अलावा एक ये मैंने शीट सी बनाई हुई है जिसके अंदर ये मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, तो ये मैं हर एक बैग के आगे और पीछे इसको पेस्ट कर दूँगा ताकि इन केस अगर मेरा लगेज मिसप्लेस हो जाता है तो मुझे कॉन्टैक्ट किया जा सके। तो बस यही है सारा सीन इस टाइम का, और बस अभी 1-1.5 घंटे में निकलते हैं और आपको पूरी जर्नी दिखाते हैं इंडिया टू कनाडा। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं। ओके, सो राइट नाउ इट्स 5:45 और मेरा भी निकलने का टाइम आ चुका है। लास्ट सी टू दिस माय सेटअप। और अभी यहाँ पर सीन ये है कि ये वाली जैकेट बैग में नहीं आ रही है, तो ये मैं ऊपर ही पहन के जाने वाला हूँ। और ये तो एक नेक पिलो, ये तो साथ में ही जाएगा, और ये वाले ग्लव्स भी और एक कैप, ये दोनों चीज़ें, ये सब कुछ मुझे अपनी जैकेट के अंदर ही रखना पड़ेगा क्योंकि इस लगेज के अंदर वेट ओवर हो गया था, तो इसलिए मैं कुछ भी रख ही नहीं पाया। ओके, सो इट्स द टाइम, लास्ट टाइम इस घर को बाय बोलने का, 4 साल बाद तक आएंगे यहाँ पे। अब एयरपोर्ट चलते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे इमिग्रेशन के बाहर कुछ इस तरह का एक काउंटर बना होता है जिसके अंदर सब कुछ लिखा है कि कौन कौन सी चीज़ें अंदर प्रोहिबिटेड हैं, आप लेकर नहीं जा सकते। तो यहाँ से अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ है तो उसको आप यहीं रिमूव कर सकते हो। ओके, तो मैं इस वक्त बैठा हूँ लाउंज में IGA एयरपोर्ट पे, और यहाँ पर अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि मेरे से इमिग्रेशन पे उन्होंने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे और कितना टाइम लगता है, सिक्योरिटी वगैरह मैं सब कुछ बताता हूँ। तो इमिग्रेशन पे तो बेसिक मेरे से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या पढ़ने के लिए जा रहे हो, और फिर थोड़ा सा वो बंदा मेरे से मजे लेने लग गया कौन कौन से आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, मैंने सब्जेक्ट्स बताए तो उससे फिर रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछने लग गए जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो बस यही थोड़े से बस 2 सवाल मेरे से पूछे थे, इससे अलावा कोई भी सवाल मेरे से नहीं पूछा। और इसके अलावा जो अपना चेक इन वगैरह में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बैगेज मेरा सारा आराम से हो गया था। सिक्योरिटी में थोड़ी सी लाइन थी और वहाँ पर मुझे 1/2 घंटा ऑलमोस्ट लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और फिर सिक्योरिटी में भी ऑलमोस्ट इतना टाइम लगा था, बाकी सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह निकाल के ट्रेन में रखना था और बस यही बेसिक जो होता है पूरा प्रोसीजर वही था। और अब यहाँ पे मैं आके बैठा हूँ लाउंज में, और मेरी फ़्लाइट वैसे तो 11:15 बजे की थी पर अब डिले हो चुकी है, 12:20 की फ़्लाइट हो चुकी है। तो तब तक मैं कुछ टाइम तक 1/2 घंटे तक यहीं पर बैठूंगा, और यहाँ पर मेरे कार्ड पे एक्सेस था तो यहाँ पे मुझे फ्री एंट्री मिल गई है। और यहाँ पे बस अभी थोड़ी देर में यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगा और थोड़ा सा यहाँ रिलैक्स करके फिर चलते हैं अपने गेट पे। तो मेरा गेट है 19B और अभी बोर्डिंग स्टार्ट होनी है 11:20 पे, तो अभी यहाँ पर मुझे थोड़ी देर वेट करनी होगी, तो यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ी देर और मिलते हैं।
सो राइट नाउ आई एम एट टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट T1 और मैं अभी यहाँ नीचे आया हूँ पोस्ट पी पे, क्योंकि मैंने अभी सबसे पहले जाना है यहाँ से लंदन और यहाँ से रॉबर्ट क्यू की बस सर्विस आने वाली है. सो इट विल कम अराउंड इन 1.5 आवर. सो मुझे तब तक यहाँ पे वेट करना है. और बाकी अगर कनेडियन इमिग्रेशन के बारे में बताऊँ तो मुझसे तो कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने. जस्ट उन्होंने बोला था कि अपना पासपोर्ट हैंडी रखना, और बस मैंने पासपोर्ट के अलावा एक अपना जो मैं PPR थी और दूसरा मेरा स्टडी परमिट जो उन्होंने पहले दे दिया था, और तीसरा मैंने अपना ऑफर लेटर उनको मैंने दिखाया. तो जस्ट उन्होंने थोड़ा सा क्रॉस वेरिफिकेशन किया और उसके बाद बस डायरेक्टली मुझे अप्रूवल दे दिया और आई वॉज गुड टू गो. तो मुझसे क्वेश्चन तो एटलीस्ट कोई भी नहीं पूछा था इन्होंने. बाकी 2-3 बच्चे थे जो मेरे साथ थे, मतलब फ्लाइट में मिले थे, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, क्यों आए हो, मतलब कहाँ जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो, कैनेडा क्यों चूज़ किया, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे. तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. अगर आपके पास आते हैं तो यू नीड टू टैकल दोज क्वेश्चंस. अगर आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते तो वो उनके मन में एक डाउट या फिर शक पैदा कर देगा कि या तो ये बंदा या तो है नहीं जेन्युइन, या तो मतलब कुछ भी इसमें प्रॉब्लम है, तो डिपोर्ट होने के चांसेस बन जाते हैं. क्योंकि पहले भी ऐसे केसेस आते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं, इमिग्रेशन में फेल हो जाते हैं, इसलिए डिपोर्ट हो जाते हैं. तो ये चीज़ का सोर्स ज़रूर ध्यान रखना. बाकी मैं अब चलता हूँ आगे और आपको पूरी जर्नी दिखाता हूँ, पूरे रास्ते में टोरंटो टू लंदन, और वहाँ पहुँच के आगे बात करते हैं. बहुत जल्दी वीडियोस आने वाली हैं. मैं कौन से कॉलेज में हूँ, कौन सा मेरा कोर्स है, कहाँ मैं रहने वाला हूँ, सब कुछ एक एक चीज़ के बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा. सो बने रहो चैनल पे. मैं मिलता हूँ आगे. ओके, सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में. और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना. और बाकी इमिग्रेशन एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके ऊपर मैं वीडियो बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ. खैर अभी थोड़ा सा बाहर आया था, अभी जस्ट एंटर हुआ घर पे, तो मैं सोचा बाहर चलते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं सिटी. तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में. वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना, नीचे कॉमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. चिल्ड्रन स्टे सेफ एंड बाय बाय.